नमस्कार दोस्तों, आपका अपने स्टडी चैनल उदयदीप में स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे। इस टॉपिक के हमारे फिफ्थ पार्ट, इससे पहले हमने चार पार्ट में इस टॉपिक के क्वेश्चनों को सॉल्व किया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो सारी वीडियो जरूर देख लें। और मैंने इस टॉपिक की पहली वीडियो में इस टॉपिक के सभी फॉर्मूलों को अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लें। और आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक को कम्प्लीट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तीन क्रमागत बट्टों 20%, 10% तथा 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा, यानी कि बट्टा यानी डिस्काउंट। 20%, 10% और 5% का समतुल्य बट्टा क्या होगा हमको ज्ञात करना है, यानी समतुल्य बट्टा, यानी कि इन तीनों बट्टों के एकमात्र बट्टा क्या होगा। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं अंकित मूल 100 रुपये, 100 रुपये इस पर 20% डिस्काउंट दे रहा है, 10% डिस्काउंट दे रहा है और 5% डिस्काउंट, तो पूछ कह रहा है इसके समतुल्य बट्टा क्या होगा, यानी कि इन तीनों बट्टों के स्थान पर ऐसा कोई एक बट्टा ज्ञात करना जो इसके इक्वल आ जाए। देखिए हमने मान लिया अंकित मूल 100 रुपये, तो 20% डिस्काउंट यानी कि 80% बेच रहा है, 20% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट यानी कि 90% बेच रहा है अंकित मूल का, 5% डिस्काउंट यानी कि 95% बेच रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। देखिए दो जीरो कैंसिल, ऊपर कितना बचा 8, 9 और 95, इनका मल्टीप्लाई कर दें, 8 नाम 72 इंटू 95 बटे 100। देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, जी विक्रय मूल्य आ रहा है, क्यों अंकित मूल्य 100 रुपये माना है, और इसका 20% डिस्काउंट यानी 80%, 10% डिस्काउंट यानी 90% और 5% डिस्काउंट यानी कि 95%। तो हम इसका निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, किसका 72 और 95 का, 5 × 2 = 10, 7 × 1 5 × 7 = 35 और 1 = 36, 9 × 9 = 18, 7 × 1 = 7 × 9 = 63 और 1 = 64, 10 × 14 = 7 × 1 = 8 = 6 यानी कि 6840। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 6840, नीचे कितना 100। तो देखिए 100 है तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा 68.40, ये क्या आ गया हमारा विक्रय मूल। अब देखिए हमें समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है, समतुल्य बट्टे के लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल निकालने के बाद 100 से माइनस कर देते हैं। देखिए 100 से इसको माइनस कीजिए 68.40 को, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या समतुल्य बट्टा आएगा। देखिए 100 से हम इसको माइनस करेंगे, देखिए 100 से हम किसको माइनस कर रहे हैं 68.40 को, तो कितना आएगा 0, 10 में से 4 गए 6, 9, 9 में से 8 गए 1 और 9, 9 में से 6 गए 3 यानी 31.60, कितना आएगा 31.60 यानी कि यदि हम इसका 100 अंकित मूल्य इसका यदि हम 31.60% डिस्काउंट दें तो 20%, 10% और 5% डिस्काउंट के समतुल्य होगा। तो हमें समतुल्य बट्टा निकालना, समतुल्य बट्टा हमारा क्या आ जाएगा 31.60% हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कमीज का अंकित मूल 600 रुपये है, तो क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल 432 रुपये है, यदि दूसरा बट्टा 10% हो तो पहला बट्टा कितना है। देखिए अंकित मूल दिया है यहाँ पे 600 रुपये और क्या कह रहा है, क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल 432 हो जाता है, तो यहाँ दिया दूसरा बट्टा 10% है तो पहला बट्टा कितना है, यानी कि बट्टा यानी डिस्काउंट। देखिए हम मान के चलते हैं, पहला बट्टा हम मान लेते हैं पहला बट्टा x परसेंट है, ये क्या करा हमने मान लिया पहला बट्टा x परसेंट है। तो देखिए अंकित मूल्य यहाँ दिया 600 रुपये, तो 600 का हम x परसेंट डिस्काउंट नहीं, विक्रय मूल्य कितना होगा 100 माइनस एक्स। देखिए जब भी डिस्काउंट देते हैं तो 100 में से माइनस करते हैं, जैसे 100 का 10% डिस्काउंट दे रहा है तो 100 में से 10% माइनस करेंगे यानी 90, तो यहाँ 100 से हम x माइनस कर देंगे, क्यों x परसेंट डिस्काउंट ने मान लिया पहला वाला है, 100 माइनस एक्स बटे 100 इंटू दूसरा डिस्काउंट कितना दिया है इसका, दूसरा बट्टा 10%, यानी कि देखिए 100 माइनस 10 यानी कि 90 बटे 100,
तो जो अंकित मूल 600 है, अंकित मूल 600, पहला बट्टा हो गया 100 माइनस एक्स बट्टे 100 और दूसरा हो गया 10% डिस्काउंट, यानी 100 माइनस 10 90 बट्टे 100, तो इसका मूल कितना जा रहा है 432, यानी कि इस पर पहला बट्टा और दूसरा बट्टा दे दें तो इसका मूल 432 हो रहा है। तो पहला बट्टा ज्ञात करना है, तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से एक्स की वैल्यू हो जाएगी और एक्स हमने पहला बट्टा माना है, यानी कि पहला डिस्काउंट हमारा आंसर हो जाएगा। वो देखिए दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ देखिए दो से कैंसिल करते हैं, दो पन्ना 10, दो तीन 6, ऊपर देखिए 3 या 9, तो 9 तिया 27, 27 बटे 5, देखिए 27 बटे 5 इंटू 100 माइनस एक्स इक्वल 432। अब देखिए इसको 27 बटे 5 उस साइड जाएंगे तो 5 बटे 27 हो जाएंगे, यहाँ क्या है 100 माइनस एक्स और 27 बटे 5 उस साइड जाके 432, देखिए यहाँ 5 बटे 27 हो जाएगा, संख्या पलट जाएगी उस साइड जाके। अब देखिए इसको हम कैंसिल करते हैं, देखिए इसको 9 से कैंसिल करते हैं, 9 दूनी 27, यहाँ देखिए 9 से 9 चौके 36, यहाँ 4 बचे 4 3 7 72, 9 8 72, अब 3 से फिर देखिए 48 कैंसिल करते हैं, 3 एकम 3 और 1 बचा 3 चौके 5 5 3 18, यानी 16 × 5 आ गया, 16 × 5, 16 5 कितने होते हैं 80, तो 16 5 80, तो देखिए 100 माइनस एक्स इक्वल कितना आ गया 80, देखिए 100 माइनस एक्स इक्वल 80 आ गया। अब देखिए x को साइड पहुँचाएँ 80 को साइड पहुँचाएँ तो 80 माइनस हो जाएगा 100 से, यानी कि यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी 20, तो हमारा 20% क्या होगा पहला डिस्काउंट, x हमने पहला बट्टा माना थी, x की वैल्यू हमें कितनी आ गई 20, तो 20% पहला बट्टा यानी कि पहला डिस्काउंट होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्रमागत बट्टों 30%, 20% और 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा, यानी कि इन तीनों बट्टों के समतुल्य यानी कि एकमात्र बट्टा क्या होगा, 30% 20% और 5% के स्थान पर हम ऐसा कौन सा बट्टा दें जो इसके इक्वल हो। तो देखिए वो कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए मान लेते हैं अंकित मूल 100 रुपये, तो देखिए इसका 30% डिस्काउंट यानी कि 70/100, 20% 80/100 डिस्काउंट है, वृद्धि करता है तो हम 100 प्लस कर देते हैं और डिस्काउंट या कमी की बात करता है 100 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ डिस्काउंट है तो 100 माइनस 20 तो 80 हो गया, तो यदि वृद्धि होती तो 100 प्लस 20 120 हो जाता, इस तरीके से हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। देखिए यहाँ 30% तो 70/100 डिस्काउंट कर रहा है, 20% 80/100 5% तो 95/100 ये क्या है डिस्काउंट है, तो इससे हमारा क्या विक्रम मूल्य आ जाएगा। तो देखिए अंकित मूल 100 माना हमने, तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, यहाँ देखिए 7 × 8 8 × 7 56 × 95/100, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ 56 × 95, 5 6 30 7 7 3 5 25 3 28 9 6 54 5 9 5 45 5 50 8 4 12 1 3 5 यानी कि 5320, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर कितना जाएगा 5320/100, दो अंक बाद दशमलव लग जाएगी, तो यहाँ कितना जाएगा हमारा 53.20, 53.20 हमारा क्या है विक्रय मूल। अब देखिए जब भी समतुल्य बट्टा ज्ञात करते हैं तो इसको क्या करते हैं हम 100 से माइनस कर देते हैं, 100 से हम इसको माइनस करते हैं किसको 53.20 को, तो 100 से देखिए 100 से माइनस कर देते हैं यहाँ 100 से 53.20 को, तो यहाँ दशमलव 0 से 0 10, 10 से 2 गए 8, 9, 9 से 3 गए 6 और यहाँ 9, 9 में से 5 गए तो देखिए 4, यानी 46.80 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 46.80% या रुपए, जो भी हमारा आंसर में दिया वो हमारा आंसर हो जाएगा, परसेंट दिया तो परसेंट, रुपए दिए तो रुपए। तो समतुल्य बट्टा क्या होगा हमारा
46.80% हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ किस एकमात्र मूल वृद्धि के समतुल्य है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या मूल वृद्धि की बात कर रहा है। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किए थे वो बट्टा यानी डिस्काउंट की बात कर रहा था। तो देखिए इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या कह रहा है, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ होती हैं। तो ये पूछ रहा है किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य होगी। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। फिर से मान लेते हैं अंकित मूल 100 रुपये, मूल्य वृद्धि की बात कर रहा है। देखिए वृद्धि की जब भी बात करें 100+ करते हैं, 10% है, 100+10 कितना होगा 110/100 और फिर से 10% वृद्धि यानी कि 100+10 110/100। देखिए बट्टा या डिस्काउंट की बात कर रहा था, हम 100 माइनस कर रहे थे, या वृद्धि की बात कर रहा है इसलिए 100+ जो भी वृद्धि दी है वो कर दे रहा है हम 100+10 तो 110/100 इंटू 110/100। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य 2 0 से 2 0 कैंसिल और 2 0 से 2 0 11 इंटू 11 कितना होगा 121। तो देखिए हमारा क्या आ गया, विक्रय मूल्य जो संख्या यहाँ आती है इसको हम 100 से माइनस करते हैं। देखिए यह 100 से बड़ी है तो हम इसमें से 100 को माइनस कर देंगे तो 121 माइनस 100 तो कितना आ जाएगा 21, यानी कि किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है, यानी 21% के समतुल्य होगी। इस क्वेश्चन का मतलब जो है, यदि हम 100 को 21% वृद्धि कर दें 100 में तो कितना आ जाएगा 121, तो किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के बराबर, यानी कि 10% वृद्धि की हो 10% वृद्धि की तब भी 121 आ रहा है। और यदि हम किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है, यानी कि 21% हम डायरेक्ट ही निकालते हैं तब भी 121 आता है। तो क्वेश्चन में वही पूछा है समतुल्य, यानी कि इन दोनों के समतुल्य कौन सा एकमात्र क्या होगा मूल्य वृद्धि होगी, तो 21% होगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा 21%। यहाँ पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक कंप्लीट होता है। इस टॉपिक हमने उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, साथ ही हमने इस टॉपिक के सभी टाइप के क्वेश्चनों को भी सॉल्व किया जिससे कि आपका परीक्षा में कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और आपको कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछें। और आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।